बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आप सब दर्शन के लिए आए हैं। हाँ तो मतलब आज का दिन बहुत बड़ा आनंदमय दिन है, पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में जो हिंदू समाज के लोग है बाकी के समाज के लोग भी है ये प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो रहे हैं। और राम मंदिर का जो निर्माण है निर्माण हो चुका है, उसका उद्घाटन आज हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा आनंद है, इसीलिए मैं भी इस आनंद में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। सर सभी तो आनंद में सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन ये कहा गया कि ये बीजेपी का एजेंडा है, विपक्ष ने जिस तरीके से राम मंदिर मूर्ति को लेकर मंदिर निर्माण को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठाए, निमंत्रण में नहीं आया, उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बीजेपी का एजेंडा होता था तो अपोजिशन को निमंत्रण नहीं दिया जाता था, मतलब अपोजिशन को जो इंडिया जो की आघाड़ी के लोगों में सबको निमंत्रण दे दिया है, सभी उद्योगपतियों को, स्पोर्ट्स के लोगों को, सेलिब्रिटीज को और कई नेताओं को मतलब निमंत्रण दे दिया है, तो ये प्रोग्राम बीजेपी का नहीं है और अपोजिशन ने मतलब इसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता थी लेकिन उन्होंने मतलब इस पर बॉयकॉट डाला है। तो मैं लोगों को अपील करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में ये अपोजिशन पर बॉयकॉट डालना चाहिए। हैव बीन ट्वीटेड बाय द हैंडल बीजेपी हैंडल एंड रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेड दैट अमंग द सिक्स भजन दैट ही लाइक्स वन ऑफ द भजन कंपोज बाय मी दैट्स राम के धाम, सो इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड वेटिंग फॉर दैट एज ऑल ऑफ अस आर एंटीसिपेटिंग द मोमेंट व्हेन एक्चुअली राम प्रतिष्ठा विल हैपन। जब आप पहली बार आए थे और आपने मंदिर देखा तो आपका पहला क्या इमोशन था? आई टीयर्स इन माय आईज। मैं जब एंटर कर रहा था आफ्टर द सिक्योरिटी आई स्टार्टेड वीपिंग एंड दैट इज समथिंग विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट जस्ट हैपन्स टू यू डोंट प्लान इट, दिस इज द टीयर्स वेल अप इन योर आईज एंड राइट नाउ आई एम हियर विद एवरीबॉडी एंड आई एम ग्रेटफुल टू लॉर्ड श्री राम एंड हनुमान जी दैट आई अमंगस्ट बिलियंस ऑफ पीपल आई एम वन ऑफ देम हु इज कमिंग। It's magical, it's spectacular. I have seen so many images of it, but जब आंखों के सामने देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ इतना अनोखा, इतना भव्य, इतना जादू ही देख रहे हैं। नहीं भाई, देख रहे हैं सब उनके चरणों में समर्पण ही कर सकते हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर सकते हैं। आज के युग में भगवान राम के आदर्शों की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है हमारे युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को, विश्व को। जिस दौर से विश्व गुजर रहा है उस पर अगर हम देखें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है, चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही एक ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। आज भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा, धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामना। अब हम जाएं यहाँ जन्मभूमि में आ जाकर। जब टेंट में रामलला थे तब हम आए थे, आज जो दिव्य भव्य मंदिर बन रहा है ये एक सनातन का एक नया इतिहास बन रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम राज्य की एक नई शुरुआत हो रही है और आज यहाँ सब हमारे शीर्ष संत महापुरुष, एक दो को छोड़ दीजिए वो अपवाद है, सब भारत के साधु संत महात्मा, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इतना ही नहीं पूरी दुनिया के 200 करोड़ से अधिक राम भक्त प्रसन्न हैं। इससे बड़ा कोई सौभाग्य हो नहीं सकता जिसको आज हम अपने आंखों से देख रहे हैं। It's a wonderful occasion, very divine occasion, blessed to be a part of this, very historic and looking forward to seeking blessings of Ram Lalla. Obviously it will mean a lot more for us, we'll continue to come to Ayodhya, but this is, you know, to be a part of this occasion is itself a wonderful feeling and really blessed. So how do you see Ayodhya now, it's before and now? This is my first visit, so I'm hoping that you know we'll be coming a lot more for this divine blessing. So yes, really looking forward to the event. Have you visited Ayodhya some places? Not yet. So after this, yes, for sure. Thank you, ma'am.